सोनीपत में हुई बारिश के बाद किसानों ने अपने खेतों में धान की रोपाई करने का कार्य शुरू कर दिया है। कृषि विभाग ने भी 90,000 हेक्टेयर भूमि में धान लगाने के लक्ष्य को निर्धारित किया है। पिछले साल अनाज मंडी में किसानों को 3,000 रुपए से भी अधिक प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट मिला था। अब की बार भी किसान अच्छे रेट की आशा लगाए हुए हैं। मानसून के सीजन में अधिकतर किसान बासमती धान की रोपाई अधिक कर रहे हैं। सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम महासिंह है, गांव जारी, जिला सोनीपत। और मौसम ने भी साथ दिया, कई दिन से अच्छी बारिश हुई है और उम्मीद है कि 1-2 तारीख से मानसून आएंगी और अच्छी होगी। कल से धान की लवाई शुरू कर देंगे। कौन सा धान लगा रहे हो? 16 बाण में 15 2 वैरायटियां। अच्छा, रेट के बारे में कुछ नहीं? रेट लास्ट ईयर तो 3,000 से 3,500 तक था। हम तो जब की बार भी उम्मीद कर रहे अच्छा भाव मिले। अच्छा, खर्चे कितना था? ये खर्चा 20 से 25 हज़ार पर एकड़ हो जाता है, खर्चा बहुत ज़्यादा। कौन सी क्वालिटी के धान? 2 वैरायटी हैं जी, एक तो 16 बाण में है और 15-9, दोनों बासमती है। एक खेत में यह लगाऊंगा, एक में दूसरे लगाऊंगा। कितने एकड़ में? 15 एकड़ में लगाऊंगा जी।